टेलीग्राम पे पोस्ट किया है। आई नो बहुत सारे बच्चों को समझ गया, लेकिन कुछ बच्चों को डाउट रहेगा कि सर वापस एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे करना है। तो बहुत फास्ट मैं इस चीज को आपके सामने रख देता हूं। दोस्तों देखो, अब आपको चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना है। ये वैसे भी मैं आपको उस पर्टिकुलर दिन पे टेस्ट का पेपर प्रोवाइड करने वाला हूं, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करता ही हूं, लेकिन आप लोग अगर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लोगे, डेली टारगेट को कंप्लीट कर लोगे, तो आपके नैया डेफिनेटली पार हो जाएगी। मोटिवेशन सर, क्योंकि कल पेपर देना है तो आज मुझे पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है, तो उतना टारगेट अगर आप कंप्लीट करोगे तो भी आप सफिशियंट पढ़ाई कर रहे हो। ध्यान देना सर, अगर मैं 24th की बात करूं, 24 अप्रैल की, मैंने आपको जैसे आज आप देख रहे हो कि 22 अप्रैल है, तो कल का दिन आपको मिल रहा है, तो कल आपने क्या क्या रिवाइज करना है? इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 और 2 करना है। तो अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसका वेटेज करीब करीब 20 मार्क का आ जाता है, राइट। ओसीएम का चैप्टर 1 आपको करना है कल ही, क्योंकि परसों आपको मतलब 24th को आपको पेपर देना है, इसका वेटेज 12 मार्क्स है। एसपी का चैप्टर 1 आपको करना है, तो 23rd के, ध्यान दो, मैं आपको 3 बजे आपके टेलीग्राम चैनल में इकोनॉमिक्स का पेपर पोस्ट कर दूंगा, आप आराम से पेपर सॉल्व कर देना। 5 बजे ओसीएम का पेपर सेंड करूंगा और 7 बजे एसपी का पेपर सेंड करूंगा। आप लोगों ने 24th को सिर्फ और सिर्फ जैसे इको का पेपर दे दिया, 2 घंटे टाइम है, चैप्टर जो ओसीएम का उसका रिवाइज कर लो वापस कि भाई मुझे एक ही चैप्टर करना है, 2 घंटे में तो आराम से हो जाता है। फिर ओसी का पेपर दे दो, फिर 2 घंटे चैप्टर 1 रिवाइज करना है एसपी का, तो 24th को एसपी का पेपर दे दो। जैसे ही 24th का टारगेट खत्म हो गया, बात खत्म, आप लोगों ने उस दिन कितने मार्क्स अगर आपने टोटल कवर करने चाहे, तो आप लोग दोस्तों करीब करीब तीनों सब्जेक्ट मिला के 40 मार्क्स कवर कर रहे हो। समझ में आ रहा है? ओके सर, 25th अभी क्या करना है, 24th जैसे आप 7 बजे पेपर देके फ्री हो गए, कल आपका टेस्ट है 3A 3B इकोनॉमिक्स पे, अब आपको पूरा अच्छे से रिवाइज करना है। 3A और 3B आपने अच्छे से कर लिया, फिर आपको चैप्टर 3 करना है ओसीएम का, बराबर, और चैप्टर 2 करना है एसपी का। अब चैप्टर 1 और 2 अगर देखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेटेज दिया है, तो इन दोनों का वेटेज 25 मार्क्स होता है, तो 2 दिन में आपने 25 मार्क्स उड़ा दिए। अगेन 25th को 3 बजे पेपर दिया, 2 घंटे रिवाइज करो, जो आपका ओसीएम का चैप्टर 3 है वो 2 घंटे में रिवाइज होता है क्या, क्योंकि कल आपने पढ़ा रहेगा, सुबह आपने पढ़ा रहेगा, अच्छा सर याद आ गया, पेपर दे दिया, वैसे ही एसपी का करना है। लॉजिक समझ रहा है क्या आपको? दोस्तों एक दिन पहले आप पूरा सब्जेक्ट खत्म करते हो, एक सब्जेक्ट में 10-12 चैप्टर्स होते हैं, तो आपका ये पोटेंशियल है कि आप एक दिन में 12 चैप्टर पढ़ सकते हो। मैंने तो यहां पे तीनों सब्जेक्ट मिला के सर 3 और 4 ही चैप्टर हो रहे हैं। फिर वैसे अकाउंट का चैप्टर आएगा, तो 25th के 7 बजे के बाद आप अकाउंट एनपीओ करना चालू कर दो, राइट, फिर 3 बजे आपको वो वाला पेपर आ जाएगा, जो भी टाइमिंग रहेगा आपको उस दिन वो पेपर मिल जाएगा करके। फिर 5 बजे ओसीएम का चैप्टर 5 है, फिर 3 है, ऐसे करते करते आपको पूरा शेड्यूल आप देखोगे, 2 दिन का गैप दिया अकाउंट को, फाइनल अकाउंट का पेपर है, फिर डिसोल्यूशन है, एडमिशन रिटायरमेंट डेट तुरंत है, ऐसे आप पूरा अगर पूरा पेपर पैटर्न देखोगे। यहां पे आप देखो 4 मई को आपका पेपर है लेटर 6, 7, 8, जो क्वेश्चन नंबर 7 आता है 10 मार्क्स श्योर एसपी में होने ही चाहिए, आउट ऑफ मार्क्स मार्क्स। यहां पर इतना परफेक्ट पढ़ लो तो आपको 3 तारीख पूरा मिल रहा है पढ़ने को, क्योंकि एडमिशन का ही पेपर है वहां पे। मैंने बाकी शेड्यूल भी ऐसे बनाए कि आपको टाइम मिले, अब मालिक पूरी शिद्दत से अभी पूरी जान लगा दो, इस शेड्यूल को भी फॉलो किया ना, 20 मई तक आपकी पूरी पढ़ाई डन हो जाती है। मतलब रैदर देन विदाउट एनी डायरेक्शन कुछ भी ना पढ़ने से बेटर है ये से पढ़ो, आपकी पढ़ाई होगी, और जो फॉलो करेगा ना वो मतलब पेन होगा, लगेगा कि सर यार बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, मतलब बहुत टेंशन आ रहा है, दो पेपर दो, 20 दिन बाद जो शेड्यूल फॉलो करेगा उसका और आपका, मतलब एक चीज है, जिसने शेड्यूल फॉलो किया वो बंदा, और जो बोलेगा जान दे यार नहीं करने का, क्या कुछ भी दिया हुआ है, बोलने दो, किसी को कुछ भी बोलने दो, 20 डेज जो इस शेड्यूल से टिका रहेगा उसका कॉन्फिडेंस देखना, और जो पेपर नहीं दे रहा उसका कॉन्फिडेंस देखना, लिख के देता हूं मालिक, तो आपके बेनिफिट के लिए, आपके लिए सारी चीजें आप अपने हिसाब से सब अच्छा करो। देखोगे आप यहां पे तो आप लोगों का 8 या 9 तारीख तक तो सब खत्म हो जा रहा है, बराबर, अब सब खत्म हो रहा है, मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज एंड हो रही है, और आप देखोगे 9 तारीख से फुल लेंथ चालू हो रहा है, राइट, 9 से आपका फुल लेंथ स्टार्ट हो रहा है, 9th, फिर 11, देन 12 एंड आपका है 13 और उसके बाद है 15, देखो ध्यान से, तो एक एक दिन का तो गैप यहां पे भी रखा है, मुझे समझ में आ रहा है आपका, तो एक एक दिन का गैप मैंने आपको यहां पे दिया हुआ है फुल लेंथ में, ताकि आप अच्छे से पूरा दिन उसको दे पाओ, और बाद में मैंने तुरंत कंटिन्यूस फुल लेंथ रखे हैं। पेपर आपको शेड्यूल टाइम पे मिल जाएंगे ग्रुप में,
सर थोड़ा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा? बिना मतलब दिन वेस्ट करके, बोलते ना, मैंने एक कहा था कि जो डिसिप्लिन का पेन होता है ना, वो बहुत कई गुना अच्छा है रिग्रेट के पेन से, राइट? मतलब वो रिग्रेट करने में कोई मतलब नहीं, अभी टाइम है भाई, कर लो, बराबर। तो आई होप आपको शेड्यूल समझ गया है, आपके दो फुल लेंथ होने वाले, आप डेट और कॉलम को शांति से देखिए कैसे इस चीज को है, आपको पूरा शेड्यूल समझ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। सर लैंग्वेजेस का क्या करना है, राइट? अब लैंग्वेजेस में बहुत सारे बच्चों का, किसी का हिंदी है, किसी का मराठी है, किसी का आईटी है, किसी का फ्रेंच है, तो इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि हम सारे पेपर बनाए, तो उसको मैंने नहीं लिया। आप ऐसे ही डेली शेड्यूल में एक एक पेपर अपने हिसाब से दो उसको, राइट? पेपर दो मतलब एक्सरसाइज सॉल्व करना चालू कर दो। इंग्लिश का भी सेम है, जितना आपका पढ़ा है वैसे आप करो, जितना हमसे हो रहा हमने आपको दिया। आई होप अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और हाँ, चैलेंज वही बच्चे एक्सेप्ट करे जो दम रखते हैं कंप्लीट करने का, और मुझे आता है आप सब में वो दम है, राइट? और आप सब कंप्लीट करोगे। चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गो।